सांसद और बहुत एक्टिव सांसद जो यहाँ नहीं होते उसमें दिल्ली में आके कुछ ना कुछ चीजें लेके मेरे पास आते हैं। बाकी सभी अधिकारी वर्ग और यहाँ के नागरिक बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज एक बरस के अंदर दूसरे बार वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के यहाँ जो सेल है, यहाँ उनको 11 वर्ष दिया गया था। वहाँ के उनका सेल की दर्शन करने में मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो गई, जो मेरा सौभाग्य मानता हूँ। क्योंकि जब मैं छोटा था उस समय मुझे याद है सावरकर जी के कई गाने जो है उससे सुनने के बाद ही देश के बारे में एक ऐसी इच्छा होती थी कुछ तो करें। उन्होंने जो कुछ लिखा है मराठी में ज़्यादा लिखा है, लेकिन उनकी माजी जन्मठेप भी पुस्तक मैंने पढ़ा है जो बाकी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हुआ है। और मुझे आनंद है कि पहले बार स्वातंत्र मिलने के बाद 70वें साल में जब हम एंट्री कर रहे हैं उस समय सरकार और प्रधानमंत्री ने ये स्पेसिफिक स्ट्रेस किया है कि देश की आज़ादी के लिए जो लोगों ने अपना बलिदान दिया, जो लोगों ने अपना जीवन दिया, उनकी याद हम हर गांव-गांव में जाके उनके गांव में उनकी